जो है वो बहुत ही मॉडर्न है, बट स्पेस कम है, यानी कि सोने में स्पेस कम होने की वजह से सोने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जब आप लोग जब तीन तीन बॉल यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी ड्राइव कॉल और आपका यहाँ से बटन करने का, मतलब एक बटन है यहाँ पे प्रेस करने का, तो आप पैर से ऐसे प्रेस करोगे और यहाँ पे गिरेगा पानी, ऐसे करके आप हाथ धो सकते हैं। ट्रैवल हाइपो। तो ये जो शालीमार स्टेशन है, ये बहुत बड़ा स्टेशन है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म एंट्री वाला से शुरू करके वेटिंग रूम से शुरू करके हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसका अंडरपास भी है और फ्लाईओवर वाईओवर सब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्टेशन बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, जब पूरा कंप्लीट होगा तब बहुत सुंदर बनेगा ये स्टेशन। तो हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म में आ रही है। M1 के अंदर आ चुका हूँ। ये इकोनॉमिक कोच। तो ये मेरा सीट 31। ये आपका इकोनॉमिक थर्ड AC 3x3 सीट है, पर्पल कलर का सीट। अरे आज हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। तो हमारी ट्रेन शालीमार स्टेशन से ले रही है डिपार्चर ऑन टाइम। एकदम ऑन टाइम छोड़ी है हमारी ट्रेन। अगला स्टॉपेज है इसका सांतरागाछी जंक्शन, जो कि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूरी में ही है, तो लगभग 10 से 15 मिनट जैसा लगेगा, उसके बाद पहुँच जाएगा सांतरागाछी जंक्शन। लगभग 113 किलोमीटर का दूरी शालीमार स्टेशन से तय करने के बाद हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है खड़गपुर जंक्शन में, और लगभग उसका टाइम था 8:10 में, लगभग आपका 10 मिनट देरी से पहुंच रही है खड़गपुर जंक्शन। हमारी ट्रेन अभी खड़गपुर जंक्शन में पहुंच रही है। ये रहा खड़गपुर जंक्शन का आपका प्लेटफॉर्म। लगभग 10 मिनट का डिले है, 8:10 में इसका टाइम था खड़गपुर जंक्शन में अराइवल का, बट अभी हो रहा है 8:20, यानी कि 10 मिनट का डिले है। खड़गपुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है KGP।
खड़गपुर जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, मतलब इंडिया का शायद सबसे लंबा प्लेटफॉर्म में से एक है। तो गाड़ी हमारी लगभग 10 मिनट लेट है, खड़गपुर में आने का टाइम था आपका 8:10 में और पहुंची है 8:20 में और यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है खड़गपुर जंक्शन में। और मेरा कोच है M1 यानी कि इकोनॉमिक, थर्ड AC इकोनॉमिक। तो अभी रात का बज रहा है 8:30 और सब कोई सो रहा है, तो अभी मैं और कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगा एकदम, कल सुबह मिलेंगे और पता नहीं कल सुबह कौन सा स्टेशन में मिल पाऊंगा क्योंकि इस रूट में मैं पहली बार जर्नी कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मालूम इस रूट के बारे में। और भुवनेश्वर कटक जो आएगा वो रात का 12 बजे या 1 बजे, तो उस टाइम में तो उतरना पॉसिबल है नहीं और बहुत टायर्ड भी हो चुका हूँ क्योंकि कल वंदे भारत का सफ़र किया हूँ। तो अभी मैं सोऊंगा और मिलूंगा कल सुबह उठ के देखता हूँ कौन सा स्टेशन में हम लोग पहुँच रहे हैं। और हमारी ट्रेन लगभग पहुँचने का टाइम है विशाखापट्टनम में 8 बजे, अब देखता हूँ कि ऑन टाइम पहुँचती है कि लेट पहुँचती है। हमारी ट्रेन देखिए खड़गपुर जंक्शन से 5 मिनट हॉल्ट के बाद अब डिपार्चर ले रही है। अभी मैं आया हूँ वॉशरूम में, वॉशरूम का कंडीशन कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वॉशरूम कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे है आपका मिरर, यहाँ पे है बेसिन, बट कॉल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बेसिन में कॉल तो है ही, ये कैसा हो सकता है कि बेसिन में कॉल ही नहीं है। कॉल यहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ से गिर रहा है कॉल, और आपका यहाँ से बटन करने का, मतलब एक बटन है यहाँ पे प्रेस करने का, तो आप पैर से ऐसे प्रेस करोगे और यहाँ पे गिरेगा पानी, ऐसे करके आप हाथ धो सकते हो। वाह ये वाला तो अच्छा है, मतलब पहले मैंने सोचा कि पानी ही नहीं है, कॉल ही नहीं, बट ये है आप बिना टच किए हुए हाथ को आप आराम से पानी को यूज़ कर सकते। ये रहा टॉयलेट, ये रहा फ्लश बटन, टॉयलेट और ये रहा फ्लश बटन, उसके बाद और एग्जॉस्टर और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे है सोप, लिक्विड सोप, बट है नहीं, पता नहीं ये तार क्यों जुड़ रहा है। तो वॉशरूम का जो कंडीशन है वो आपका खाने से इकोनॉमी जो कोच है उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है कोच का। थर्ड AC इकोनॉमिक कोच का जो वॉशरूम है उसका मैं जो बेसिन का जो पानी है वो मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको कहीं नहीं नज़र आएगा कॉल, बट ठीक इस जगह पे कॉल है। तो उसका यूज़ करने का क्या तरीका है, यहाँ देखिए यहाँ पे एक बटन, मतलब बटन है जो पैर से प्रेस होगा। ये देखिए मैं पैर से प्रेस किया और ये रहा पानी, ये देखिए पानी यहाँ से आ रहा है पानी। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, बिना हाथ को टच किए हुए आप पानी को यूज़ कर सकते हो, ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो पानी का सिस्टम है, मतलब वॉशरूम के अंदर जो बेसिन का पानी का सिस्टम है, ये मुझे लगता है हर कोच में होना चाहिए, मतलब हर ट्रेन में हर कोच में ये होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। बिना हाथ को टच किए हुए आप पानी को यूज़ कर सकते हो, तो आपका हाइजेनिक मामले में भी बहुत अच्छा है।
का इकोनॉमिक कोच में आपको विंडो में कोई पर्दा वर्दा नहीं है, इस टाइप का कार्टन है, ऐसे कार्टन को गिराना पड़ेगा, इस तरीके से गिराना पड़ेगा। कार्टन को गिराता हूँ और सो जाता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से ठीक कल सुबह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और आपका अभी आने वाला है विजयनगरम जंक्शन और हमारी ट्रेन लगभग 815 किलोमीटर का दूरी शालीमार स्टेशन से तय कर चुकी है। लगभग एक घंटे में पहुंच ही जाएगा। उसके बाद विजयनगरम जंक्शन आने के बाद बाकी रहेगा आपका लगभग 60 किमी जैसा, तो एक घंटे में लगभग पहुँच ही जाएगा। विशाखापट्टनम तो आने से पहले हर तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये देखिए थोड़ा सा फॉग है इसलिए साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है पहाड़, बट चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बहुत सुंदर लैंडस्केप है, देखिए बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। तो अभी आने वाला है विजयनगरम जंक्शन, उसके बाद लगभग 50 किलोमीटर जैसा ही बाकी रहेगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा विशाखापट्टनम। तो आ चुका है विजयनगरम जंक्शन, ये देखिए स्टेशन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये है विजयनगरम जंक्शन और यहाँ से विशाखापट्टनम लगभग 50 किलोमीटर का दूरी है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन को आने का टाइम था लगभग 6:30, तो लगभग 8 या 10 मिनट का देरी से हमारी ट्रेन पहुँची है, तो ठीक ही है, लगभग 10 मिनट का लेट से हमारी ट्रेन चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2853 शालीमार विशाखापट्टनम वीकली एक्सप्रेस का कोच कॉम्बिनेशन का बात किया जाए तो इसमें 2 है सेकेंड एसी, उसके बाद 5 है थर्ड एसी, उसके बाद 3 है आपका थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच, उसके बाद 7 है आपका स्लीपर क्लास। तो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच में आपका इंटीरियर बहुत मॉडर्न है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट सोने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लंबाई तो ठीक रखता बट चौड़ाई में थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए सोने में प्रॉब्लम हो रहा था, लग रहा था कि बार बार सोते समय कि मैं अभी अभी गिर जाऊंगा, इस तरीके का लग रहा था। हालांकि मेरा साइड लोअर सीट है, फिर भी मुझे लगा कि थर्ड एसी जो कोच होता है उसके मुकाबले इसका जो सीट है, सीट का चौड़ाई थोड़ा सा छोटा है, और बाद बाकी सब कुछ ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वही तो थोड़ा सा सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये है थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच यानी कि M1, तो इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही मॉडर्न है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसमें भी आपको मिल जाएगा 1, 2, 3 यानी कि 3x3 पर्पल कलर का सीट है। सीट का जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा कम है, मतलब मिडिल का स्पेस थोड़ा सा कम है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको आयना, यहाँ पे है चार्जिंग पॉइंट, ये वाला है रीडिंग लाइट, इस तरफ यहाँ पे हैंकर, नीचे भी रीडिंग लाइट है, मतलब 1, 2, हाँ 3 है रीडिंग लाइट,
उसके बाद आपको इस तरीके का बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। ये ऐसे करके ऐसे हर सीट में एसी वेंट है। देखिए एसी वेंट है। इस सीट के लिए ये, मिडिल बात के लिए ये, और अपर बात के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा एसी वेंट। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर डिज़ाइन है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो इंटीरियर जो है वो बहुत ही मॉडर्न है, बट स्पेस कम है, यानी कि सोने में स्पेस कम होने की वजह से सोने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जब आप लोग जब तीन तीन छः आदमी जब बैठेगा तब यहाँ पे पैर रखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ एकदम बहुत मॉडर्न डिज़ाइन है और बहुत अच्छा है। तो ये था थर्ड एसी यानी कि M1 थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच का इंटीरियर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम स्टेशन में। तो अभी चलते हैं। मैंने बुक किया था आपका विशाखापट्टनम स्टेशन में डिटेल रूम में, तो अभी चलते हैं विशाखापट्टनम का स्टेशन का डिटेल रूम में और जाके अपना रूम देखता हूँ कि कैसा है। मेरा स्टेशन विशाखापट्टनम का, विशाखापट्टनम का स्टेशन, और वो था हमारी गाड़ी 22853 शालीमार टू विशाखापट्टनम वीकली एक्सप्रेस। अब मैं जाऊंगा रिटायरिंग रूम में, एसी स्टेशन में बुक किया था 2 दिन के लिए, क्योंकि कल जाना है आर्को वैली। आर्को वैली यहीं से ट्रेन है, तो इसलिए मैंने 2 दिन के लिए आपका स्टेशन में ही जो रिटायरिंग रूम है उसी में बुक किया हूं। तो चलिए अब जाके देखते हैं कि रिटायरिंग रूम जो है वो कैसा है। तो यहाँ का विशाखापट्टनम का जो स्टेशन है, स्टेशन आपका बहुत क्लीन है, देखिए एकदम चकाचक क्लीन स्टेशन है। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा विशाखापट्टनम का डिलक्स रिटायरिंग रूम जो मैंने बुक किया था। तो अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ये है हमारा रूम, ये वाला रूम नंबर 3, ये है हमारा रूम।